आज हम बनाने वाले हैं राजमा। चावल के साथ इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा होता है। दो किस्म के राजमा होते हैं, एक है चित्रा राजमा और एक है लाल राजमा। मैंने एक कप लाल राजमा लिया है और इसे पूरी रात भिगो के रखा था। देखिए कैसे छिलके उतर रहे हैं। अब गैस ऑन करते हैं और कुकर को बिठाते हैं। कुकर गर्म होने के बाद इसमें रिफाइंड ऑयल डालें, एक तेज पत्ता डालें और एक बड़ी इलायची को कूट के डालें। अब दो चम्मच जीरा डालें और अच्छे से फ्राई कर लें, कम से कम एक मिनट के लिए। गैस को हाई फ्लेम में रखें। अब बारीक से कटा हुआ प्याज डालें। आप प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब कटी हुई हरी मिर्च डालें और 5 मिनट तक फ्राई करें, जब तक प्याज का कलर बदल नहीं जाता। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और फ्राई कर लें। थोड़ा पानी डालें और फ्राई करते रहें धीमी आंच में 2 मिनट के लिए। अब इसमें 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के मिक्स कर लें। अब थोड़ा पानी डाल के फ्राई करते रहें। दो मिनट बाद टमाटो पूरी डालें और मिक्स करके फ्राई करते रहें, जब तक मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता। अब इसमें 2 चम्मच नमक डालें और हाई फ्लेम में फ्राई करते रहें। देखिए मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें भीगा हुआ राजमा को डाल दें। और मसालों के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करें। अब इसमें 4 कप गरम पानी डाल के मिक्स कर दें। अब ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 1 सीटी मारने दें। 1 सीटी मारने के बाद फ्लेम को लो कर दें। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और 1 चम्मच से राजमा को दबा के देखें। देखिए कैसे राजमा अच्छे से पक गया है। अब फ्लेम हाई कर दे और उबाल आने के बाद इसमें मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर दे और 5 मिनट बाद गैस को बंद कर दे। अब प्लेटिंग करते हैं। 1 प्लेट में राजमा को निकाले।
उसमें एक चम्मच देसी घी डालें। लीजिए, आपका राजमा बनके रेडी हो चुका है।